हेलो बच्चों, आज हम अपना रियल नंबर का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे और रेशनल नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि हेडिंग है कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स, मतलब कि हमारे पास दो नंबर दिए गए होंगे और उसके बीच में हमको क्या करना है, रेशनल नंबर्स को पुट करवाना है। ठीक, अब वो हो सकता है कि दो रेशनल नंबर पुट कराने हो, तीन कराने हो, चार, जैसा भी हमसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करेंगे। ठीक, तो कैसे हो सकते हैं, दो मेथड हैं हमारे पास, तो उन दोनों मेथड को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, तो अगर हम मेथड 1 की बात करें, अगर हम मेथड 1 की बात करें, ठीक, तो मेथड 1 में ये होता है कि मान लिया गया लेट टू गिवेन नंबर बी ए एंड बी, हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको नंबर दिया गया हो तो जो पहले वाला नंबर हो वो छोटा हो दूसरे वाले नंबर से। ठीक, मतलब कि ए स्मॉलर होगा और बी ग्रेटर होगा। ठीक, तो अगर हमसे कहते हैं कि एक नंबर या दो नंबर इंसर्ट करो तो हम फर्स्ट मेथड को लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे एक या दो नंबर जब हमको पुट कराने होते हैं तो फर्स्ट मेथड हमारे लिए इजी रहता है। बट अगर वहीं पे हमसे कह दिया जाए 5 या 6 नंबर्स को इंसर्ट कराओ तो वो मेथड हमारे लिए अच्छा नहीं रह जाएगा, मतलब कि मेथड 1 हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, तो पहले मेथड में होता है कि अगर हमको ए और बी के बीच में अगर नंबर को इंसर्ट कराना है तो हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, एक या दो नंबर की बात होगी तो हम इसी तरह मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने बोला, एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास 4 और 5 है। ठीक, हमको इसके बीच में नंबर को इंसर्ट कराना है। ठीक, तो अब हमको जब इसके बीच में नंबर को इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 4 प्लस 5। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 9/2। तो अगर देखा जाए कि अब जो हुआ यहाँ पे वो ये हो गया कि 4 और 5 के बीच में एक नंबर आ गया है 9/2, बट हमसे कहा है कि दो नंबर करना है। तो अब दूसरा नंबर कैसे हम इंसर्ट कराएंगे, अब वो दूसरा नंबर या तो 4 और 9/2 के बीच में हो सकता है या 9/2 और 5 के बीच में हो सकता है। ठीक, तो आप किसी भी को निकाल सकते हो, चाहे फर्स्ट 2 में से निकाल सकते हो या लास्ट के 2 में से। तो अगर हम सेकेंड नंबर निकालते हैं तो सेकेंड नंबर बिटवीन 4 एंड 5 अगर हम निकालें तो हम पहले दो नंबर को ले लें तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 9/2। ठीक, तो जब हम यहाँ निकालेंगे तो 1/2 ये हो गया और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 ये हो गया। तो जब हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17/4। तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए, ठीक, देयर फोर टू नंबर बिटवीन 4 एंड 5 इज 17/4 और 9/2, और यहाँ पे हमारे दोनों नंबर आ जाएंगे। ये दोनों नंबर हमारे यहाँ पे क्या हुए, इंसर्ट हो गए। तो बेटा ये था हमारा पहला मेथड। ठीक, सेकंड मेथड में फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, तो मेथड 2 जो है यहाँ पे
उसको देखिए कि वो क्या है। अगर हम मेथड टू की बात करें तो मेथड टू में सेम वही चीज़ की बेटा, दो नंबर होंगे लेट टू गिवन नंबर बी ए एंड बी। हमारे पास दो नंबर होंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि ए वाला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और बी वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू, यहाँ पे एक क्या कहते हैं डिफरेंस निकालते हैं जिसको हम डी मान लेते हैं। तो डी क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। एन बेटा क्या है, यहाँ पे जो एन है वो बता रहा है नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंसर्ट। हमको कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं यहाँ पे, ये हमको बता रहा है। ठीक, तो मान लो कि अगर हमसे कहा कि सिक्स नंबर को एंटर कराना है तो एन की वैल्यू सिक्स हो जाएगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो देखो हेयर, यहाँ पे हम बताएंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास थ्री हो गया भैया, जो छोटा नंबर होगा वो पहले होगा। हेयर ए बराबर थ्री एंड बी बराबर फोर। ठीक, हमको कितने नंबर इंसर्ट कराने हैं, सिक्स। तो बेटा हमारे लिए जो एन की वैल्यू हो गई वो सिक्स हो गई। यहाँ पे मेथड वन लगाना हमारे लिए इजी नहीं है। ठीक, तो एन की वैल्यू हो गई सिक्स। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, डी निकाल लें। तो डी जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, फोर में से थ्री गया बेटा तो वन हो जाएगी और अपॉन में सेवन, ये आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको इसके बीच में सिक्स नंबर्स को इंसर्ट कराना है। तो वो सिक्स नंबर क्या होंगे, देयर फोर सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर आर। तो देखो बेटा क्या क्या हो जाएंगे, पहला नंबर अगर देखें तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसमें हम इस डिफरेंस को जोड़ेंगे, ये पहला नंबर हो जाएगा बेटा। ठीक, दूसरा हो जाएगा ए प्लस टू डी बेटा, फिर ए प्लस थ्री डी। ठीक, ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी, और फिर ए प्लस फाइव डी, देन ए प्लस सिक्स डी। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारे हो गए छः नंबर। तो बेटा देखो ए और डी की वैल्यू जब हमको पता है तो हमारे नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, थ्री प्लस वन बाई सेवन। तो हम उसको बोल सकते हैं थ्री होल वन बाई सेवन, थ्री होल टू बाई सेवन, थ्री होल थ्री बाई सेवन, थ्री होल फोर बाई सेवन। ठीक, थ्री होल फोर बाई सेवन, फिर थ्री होल फाइव बाई सेवन, और थ्री होल सिक्स बाई सेवन। तो यहाँ पे हमारे छः नंबर आंसर हो चुके हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फोर एंड टू बाई थ्री। इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पे थ्री और फोर था, जो हमको रेशनल नंबर आंसर कराने थे वो थ्री और फोर के बीच में कराने थे, बट यहाँ पे हमको जो नंबर दिया है वो है थ्री बाई फाइव एंड टू बाई थ्री। ठीक, तो अब हम फ्रैक्शन में, अब दो नंबर हैं तो फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो पहला नंबर होगा वो छोटा होना चाहिए और सेकेंड नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो ईजी मेथड है उसको चेक करने का। हमने क्या किया बेटा, थ्री बाई फाइव लिखा और एक तरफ लिखा टू बाई थ्री। ठीक, अगर हम बेटा इस थ्री को, मतलब हम लोग कुछ ना करें केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो देखो बेटा थ्री थ्री कितना हो गया,
9 हमने इधर लिख लिया, और 5 2 10, तो बेटा किधर बड़ा नंबर आ रहा है? ये, और छोटा नंबर ये। तो मतलब कि जिधर छोटा नंबर है उधर साइड का जो फ्रैक्शन होगा वो स्मॉलर होगा, और जिधर नंबर बड़ा आया मल्टीप्लाई करने पे वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक, तो मतलब कि जो हमको दिया गया था वो एकदम सही था कि 3/5 छोटा था और 2/3 बड़ा था। तो हमारे लिए ए की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3/5, एंड बी की जो वैल्यू हो गई बेटा वो हमारे पास होगी 2/3। और हमको कितने नंबर इंसर्ट कराने हैं? 4। तो एन बराबर हमारे पास हो गया 4। ठीक, अब हमको 4 नंबर इंसर्ट कराने हैं, हम फिर से सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डी निकालेंगे। तो डी इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक, तो जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी मतलब 2/3 माइनस 3/5 होल अपॉन में बेटा 4 + 1 करने पे 5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू, बेटा एलसीएम आएगा यहाँ पे 15। ठीक, ये हो गया 10 - 9 होल अपॉन 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। ठीक, कोई दिक्कत, डी की वैल्यू आ गई। फिर अब हमको 4 नंबर पुट कराने हैं, तो हमारा पहला नंबर जो होगा वो होगा ए प्लस डी, दूसरा नंबर जो होगा वो होगा ए प्लस 2d, तीसरा नंबर ए प्लस 3d, और फोर्थ नंबर ए प्लस 4d। ठीक, ये हमारे 4 नंबर होंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, 3/5 प्लस 1/3, 3/5 प्लस 2/3, 3/5 प्लस 3/3 मतलब 1। ठीक, फिर 3/5 प्लस 4/3। तो जब हम बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पहला नंबर आएगा वो होगा, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 9 और 5 14/15। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 9 और 10 19/15। ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8/5। ठीक, फिर ये लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 9 और 20 29/15। तो ये हमारे 4 नंबर हो जाएंगे जो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं 3/5 और 2/3 के बीच में। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो भाई हमको अब निकालना है √2 और √3 के बीच में दो क्या रेशनल नंबर। तो ये कैसे निकलेंगे, सोचिए कि √2 और √3 के बीच में हमारे रेशनल नंबर कैसे निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 और √3 तो हमारे इरेशनल नंबर है ना। तो ये आपको सोच के थोड़ा दिक्कत लग रही होगी कि भाई √2 और √3 के बीच में नंबर कैसे निकल जाएंगे रेशनल। तो देखो, आपको नॉर्मली एक चीज़ तो पता होगी कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.412, वो भी अप्रॉक्स में ये नंबर ऐसे आगे चलता रहता है। ठीक, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, ऐसे होती है। हमसे बोल रहे हैं कि इन दोनों नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर पुट कराओ। तो बेटा देखो, √2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है करीबन 1.414, ऐसे ही ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो ये चलती रहती है। ठीक, तो अगर देखो हम एक टर्मिनेटिंग नंबर लेके आ जाएं, अगर हम बोल दें 1.5, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है ना, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो देखो भाई, इससे बड़ा है 1.5, रेशनल नंबर है। फिर
अगर हम एक और नंबर ले लें 1.6, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, और देखो ये नंबर रूट थ्री वाली वैल्यू से छोटा है कि नहीं है। तो हमारे जो रेशनल नंबर होंगे वो हो जाएंगे 1.5 एंड 1.6, किसके बीच में? रूट टू और रूट थ्री के बीच में। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूट टू और रूट थ्री के बीच में दो इरेशनल नंबर को पुट कराओ। ठीक, क्या कह रहा है कि फाइंड करना है हमको दो इरेशनल नंबर किसके बीच में? रूट टू और रूट थ्री के बीच में। ठीक, तो बेटा इरेशनल नंबर को पुट कराना है, तो ये हम कैसे कराएंगे? ठीक, तो कोई बात नहीं, इजी है, थोड़ा सा समझिए। हमसे कहा इरेशनल नंबर के बीच में पुट कराना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर हम देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो रूट टू है और बी की वैल्यू जो है वो रूट थ्री है। ठीक, तो जब हम इंसर्ट कराएंगे तो हम ये कर सकते हैं, एक मेथड है इसमें इरेशनल नंबर में पुट कराने का, कि हम जब हमारे पास जो दो नंबर दे रखे हों वो रूट के अंदर हों, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर लें अगर हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? टू। ठीक, और अगर हम बी का स्क्वायर कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? रूट, सॉरी, हमारे पास आ जाएगा थ्री। तो देखो भाई, हमको दो इरेशनल नंबर रखने हैं टू और थ्री के बीच में। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रीअकरिंग हो, मतलब ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, मतलब ख़त्म हो रहे हो। तो अब हम टू से बड़ा एक नंबर अगर ले लें तो हम ले सकते हैं 2.01001001। ठीक, तो आप देख रहे हो बेटा कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। या तो ऐसे भी ले सकते हो 2.01111, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1111। तो हम ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं। फिर एक मिनट बेटा, ये आप नंबर ले सकते हो दो से बड़ा 2.01001100011। ठीक, या 2.03, ठीक, 0033। ठीक, 0033, ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा थ्री से। तो ये दो हमारे इरेशनल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे किसके बीच में? टू और थ्री के बीच में। ऐसे बेटा कई तरह के नंबर, मतलब कोई और नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही दो नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री। अभी देखिए, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया वहाँ पे टू और थ्री पे रूट लगा हुआ था, यहाँ पे रूट नहीं लगा है। तो हमारे लिए ए की वैल्यू हमने मानी टू है, बी की वैल्यू मानी हमने थ्री है। अगर रूट नहीं लगा है तब भी हम वही प्रोसेस लेते हैं कि स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया 4, और बी का स्क्वायर किया तो 9। ठीक, तो अब बेटा देखो, अगर हम देखें 4 और 9 के बीच में नंबर आते हैं 5, 6, 7, 8। हमको केवल दो नंबर इंसर्ट कराने हैं ना, तो इरेशनल होने चाहिए। तो बेटा देखो, अगर हम रूट फाइव ले लें, हाँ, अगर हम भाई हमको दे रखा है 2 और 3, तो इनके बीच में हमारे जो दो इरेशनल नंबर हो सकते हैं वो रूट फाइव हो सकते हैं, रूट सिक्स होते हैं, हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई 2
टू से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और थ्री से छोटी। तो अगर हम रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो वो टू पॉइंट कुछ करके आएगी, और रूट सिक्स की भी वैल्यू टू पॉइंट कुछ करके आएगी। तो ये दो इरेशनल नंबर हमारे टू और थ्री के बीच में आ जाएंगे। ठीक, तो अब हम बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बेटा अगर कोई भी दिक्कत लगे आप मेरे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे जा कर के वहाँ पे भी जो साइट्स दे रखी होंगी आप उस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं कि आप लोग इंस्टा को फॉलो करिए ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चंस की जो सीट हैं वो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो बेटा थोड़ा सा बस इस नंबर लाइन के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कभी भी ये नंबर लाइन आपसे गलत नहीं होगी। ठीक, तो अगर आपसे यहाँ पे देखें तो हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा बस एक चीज़ ये देखिए कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है बेटा तो वो वैल्यू जीरो से नीचे होगी, मतलब वन से नीचे हो, सॉरी गलत बोल दिया, वन से नीचे होगी, जीरो से नीचे नहीं होगी, मतलब जीरो से वन के बीच में लाई कर रही होगी। ठीक, और अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अगर हम अपने पहले पार्ट को देखें तो कह रहा है 5/7, तो यहाँ पे कह जो नंबर है 5/7 वहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब ये नंबर जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे अपनी नंबर लाइन के बीच में हम लाइंस बना लेंगे। ठीक, कुछ एक डिस्टेंस पे फिक्स करके, ठीक ये जैसे कि हमने बनाई, अब देखिए हमने माना कि ये हमारा जीरो है, ये हमारा -1 है, ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही नंबर चलेंगे। अब बेटा हमसे कह रहा है कि 5/7, तो डिनोमिनेटर में कितना नंबर है 7, तो बेटा ये जीरो के बाद हम सिक्स लाइन खींचेंगे। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन हमने खींच ली और 7 लाइन ये हो जाएगी। ठीक, मतलब कि ये समझिए कि अगर डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है उससे एक कम लाइन उन दोनों नंबर्स के बीच में हमको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। 7 था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 6 क्यों खींची ये भी सोचिए। अगर ये सोचिए कि अगर यहाँ पे 7 हो जाता न्यूमरेटर में भी तो वो 1 हो जाता कि नहीं, भाई 7/7 मतलब 1, तो ये हो जाती है हमारी 7th लाइन। ठीक, जो 1 पे है वो हमारी हो जाती है 7th लाइन। अब हमको रिप्रेजेंट करना है कि 5/7, तो 1, 2, 3, 4 ये जो लाइन है इसने रिप्रेजेंट किया 5/7 को, कोई दिक्कत। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में है कि 8/3। ठीक, तो 8/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 होल 2/3 आएगा। ठीक, तो जब हमने नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट किया तो हमने 0, 1, 2, 3 लिया और इधर -1 लिया। अब 2/3 है, 2 होल 2/3, तो बेटा 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे है 3, मतलब कि हमको एक नंबर कम कर दें तो हो गई 2, मतलब कि हमको 2 और 3 के बीच में 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, उसमें से हमको 2/3 रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखो बेटा 1, 2, 3, तो ये सेकेंड लाइन आ रही है ना, तो ये हो जाएगी हमारी 2 होल 2/3, या उससे हम बोल सकते हैं 8/3। और थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है -2.4
को हमने मान लिया -24/10, ठीक, उसको सिंपलीफाई किया -12/5 आया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया -2 होल 2/5, ठीक। तो अब हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो ये -2 और -3 के बीच में आएगा, ठीक। तो -2 और -3 के बीच में आएगा, नीचे है डिनोमिनेटर में 5, तो 5 का मतलब हुआ कि एक हम कम कर दें तो 4 लाइंस इन -2 और -3 के बीच में ड्रॉ की जाएंगी। तो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक। उसके बाद है कि 2/5 को रिप्रेजेंट करना था -2 से -3 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4 और ये 3 पे जो लाइन है वो 5th लाइन हो जाएगी। तो सेकेंड लाइन ये है ना, तो -2 होल 2/5 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर, ठीक, ईच ऑफ द नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे रूट के नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा कि एक लाइन खींचेंगे, ठीक। ये रफली मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेज़रमेंट करके लीजिएगा। हमने मान लिया कि एक लाइन हमने खींची, ये मेरी करीबन 8 सेंटीमीटर की लाइन है, बट बेटा मैं इट इस 8 सेंटीमीटर की लाइन को मैं अगर सेंटर में बांटूं तो मेरा सेंटर है ये 4, ठीक। और मैं हर 2 सेंटीमीटर को एज अ 1 सेंटीमीटर लेके चलूँगा, हर 2 सेंटीमीटर को मैं एज अ 1 सेंटीमीटर लेके चलूँगा बेटा, ठीक। तो देखो बेटा, इसको मैंने मार्क किया ओ पॉइंट, इसको ए पॉइंट, ठीक। तो मैं हर 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1, ठीक। ये क्या माना है मैंने, मैंने माना है इसको कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1। तो यहाँ पे बेटा हो गया ये 1, हमको रिप्रेजेंट करना है √2। तो बेटा अगर 1 इधर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन हमने इधर भी खींच ली, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1, और हम क्या करेंगे इस लाइन को इससे जोड़ देंगे। तो ये देखो, अब समझो बेटा, यहाँ से ये हो गया B, बेटा ये 90 डिग्री बनाना, ये भी 1, ये भी 1। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा √2, होगा कि नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपास का यूज़ करते हैं। तो बेटा मेरे पास इस टाइम कंपास नहीं है, ठीक। तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने कंपास के एक जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और पेंसिल या पेन को यहाँ पे रख के इतना आर्क ले करके हम यहाँ से लाइन से आर्क खींचेंगे या सर्किल बनाएंगे, तो वो लाइन यहाँ पे आके गिरेगी। तो ये पॉइंट जो होगा, हम इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट हमारा √2 को डिफाइन करेगा, ठीक। फिर अगर हमको √3 रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे √2 है, हम यहाँ से 90 डिग्री पे फिर से 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे जो कि 1 यूनिट का काम करेगी बेटा, ठीक। 90 डिग्री पे खींचेंगे, ठीक। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये सी पॉइंट हुआ, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना। तो अब अगर हम ट्रायंगल देखें ओ बी सी, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा √3 होगी कि नहीं भाई। √2 का स्क्वायर पाइथागोरस के थ्रू तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आएगा √3। फिर वही काम, ओ से सी पे हम एक ओ से सी का हम एक आर्क बनाएंगे, और वो आर्क हमारा इस नंबर लाइन क्यू पे आके गिरेगा, और ये क्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट है जो, वो है √5 का रिप्रेजेंटेशन। बट बेटा इसको आप एक बार आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, ठीक। तो अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट एक बार आप खुद भी इसको ट्राई करिए, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है पेपरों में, आएगा भी ये। ठीक, तो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि बिना डिवाइड किए हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो बेटा इसके लिए नोट है, होता है एक, वो याद रखिए, इफ द फ्रैक्शन ऑफ अ डिनोमिनेटर नेटर हैविंग फैक्टर ऑफ टू और फाइव और बोथ देन द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है और उसके डिनोमिनेटर में टू का मल्टीपल हो, मतलब टू के फैक्टर्स हो, ठीक, टू का मल्टीपल हो, या हम कह सकते हैं कि टू की पावर कुछ हो, फैक्टर ऑफ टू नहीं, आप बोलो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टू हो या मल्टीपल ऑफ फाइव हो, ठीक, या दोनों ही हो सकते हैं, टू का भी मल्टीपल हो और फाइव का भी मल्टीपल हो। ठीक, तो उस केस में हम उस फ्रैक्शन को बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अगर हम पहला पार्ट लें तो पहले पार्ट के अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो 24 है, अगर हम इस 24 को अगर हम तोड़ते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखो बेटा 2, तो ये हो गया 12, फिर 2 से गया आया कितना 6, फिर 2 से गया 3, ये 3 से गया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 बार तो 2 आया बट 1 बार 3 आ गया ना, इसलिए एक बार भी अगर कोई और नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर हम सेकेंड पार्ट के डिनोमिनेटर को देखें, 12 को, और हम अगर इसका फैक्टराइजेशन करें, 6 2 3, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट वाला है 125, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 25, फिर 5 से डिवाइड करें तो 5, फिर 5, मतलब देख रहे हैं कि जो नंबर आ रहे हैं वो सब 5 के मल्टीपल हैं। ठीक, इसलिए ये लास्ट वाला नंबर जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर जो था वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बेटा आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस समय लॉकडाउन के समय में बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उनको क्लासेस नहीं हो अरेंज हो पा रही हों उन लोगों की, तो उनको उनको तक उन लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और अगर कोई भी कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर या लिंक आपको मिल जाएगी, और हो सके तो इंस्टा को आप फॉलो करें, वहाँ पे आपको हर दिन शेड्यूल या आपको पेपर मिलता रहेगा जिसको आप डेली लगाते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बेटा, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।